कहते हैं बिग बॉस के घर पे, बिग बॉस की जो घर की जो खेलने की रहते हैं उससे बड़ा डिसीजन रहता है बिग बॉस के घर पे जाने का। एंड ईशा जी ने हाल ही में ये डिसीजन लिया है, जिसके लिए मैं पहले कॉन्ग्रेचुलेशन करूँगा। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू विशाल, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? गुड गुड, बहुत बढ़िया. ये जो डिसीजन लेने के बाद कैसा लग रहा है अंदर से? अच्छा लग रहा है यार. आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक एंड थोड़ी थोड़ी नर्वस हूँ, बट यार इट्स गोइंग टू बी अ होल न्यू एक्सपीरियंस फॉर माई लाइफ, तो बहुत एक्साइटेड हूँ. एंड एक पहले ही कहना चाहूँगा, जो लास्ट इंटरव्यू में मैंने कहा था कि जिसका पहले भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ, लास्ट टाइम प्रियंका का लिया था मैंने इंटरव्यू, लास्ट या इस साल आपका ले रहा हूँ, वो फाइनल तक जाता ही है। अरे भाई, आपके मुंह में घी शक्कर. एंड थैंक सबसे यू. बड़ी बात, ये जो कैमरा के पीछे जो है वो कैमरा पर्सन रहता तो जाता ही है। तुषार हाँ, कालिया हो गया, दिस कैमरा पर्सन तुषार कालिया हो गया, फिर नाइस. प्रियंका हो गई, एंड नाउ यू। चलो यार, आई सो होप सो, आई आई थिंक होप यू सो. गो टू द फाइनल थैंक यू. एंड टेल अस समथिंग। ये जो डिसीजन, जब लास्ट ईयर भी ऑफर आया था तब आपने रिजेक्ट किया था, इस साल आपने ऑफर एक्सेप्ट किया। यार बेसिकली उसको ना मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैंने रिजेक्ट कर दिया था, बिकॉज ऑब्वियसली ऐसी अपॉर्चुनिटी कोई भी अपनी जिंदगी में नहीं रिजेक्ट करेगा. आई वॉज बेसिकली नॉट प्रिपेयर्ड, मतलब मैं उसका ब्लेम भी खुद के ऊपर ही डालूंगी कि मैं ही प्रिपेयर्ड नहीं थी. आई वॉन्टेड टू गो, पर मुझे ऐसा लग रहा था मुझे शायद अपने लिए थोड़ा और टाइम लेना चाहिए, या आई शुड स्पेंड सम मोर टाइम विद माई सेल्फ सो दैट मैं थोड़ा और पॉलिश हो जाऊँ ना वहाँ तक पहुँचने के लिए. और अकेले इतना सब करना यू नो मेरे लिए बहुत नया है, तो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. और फिर उडारिया भी चल ही रहा था, सो आई थॉट कि आज जो मेरा डेब्यू शो है और मैं डेफिनेटली उसको पहली प्रायोरिटी दे रही थी उस टाइम पे, क्योंकि वो मेरा रनिंग शो था, तो दैट वाज द रीजन कि मैंने तब नहीं किया. बट एज सून एज आई गॉट फ्री फ्रॉम उडारिया, तब तो मैंने सोचा यार अब तो डिले करने की कोई बात ही नहीं है, सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड दैट्स हाउ आई एम गोइंग. एंड हाउ डू यू सी रियलिटी शो लाइक बिग बॉस? यार बिग बॉस ना मेजरली, मतलब सबके अपने एक अलग अलग गोल्स होते हैं कि बिग बॉस में क्यों जा रहे हैं, सबका एक अपना अलग पर्सपेक्टिव होता है. मेजरली मेरा ये है कि अभी तक ना लोगों ने मुझे नेगेटिव कैरेक्टर में देखा है इन द शो, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो इंडस्ट्री से हटके हैं, जो शो देखते हैं, जो ऑडियंस है बेसिकली, उनको ना ये बहुत ही थिन लाइन होती है बिटवीन समबडीज रियल लाइफ एंड रियल लाइफ, तो उनको ये डिफरेंस समझ में नहीं आ पाता है. सो पीपल आर वेरी कंफ्यूज कि यार हमको देखना है कि इसका रियल पर्सनैलिटी क्या होगा. कुछ कुछ लोग को लगता है कि नहीं ये ऐसी ही है शायद, तो वो है कि मैं वहां जाके दिखाना चाहती हूँ कि मैं कैसी हूँ. फाइनली लोग देखेंगे कि 24/7 मैं कैसे रहती हूँ, खाना पीना उठना सोना मस्ती रोना गुस्सा एवरीथिंग. सो या आई जस्ट वॉन्ट टू शो ईशाज शेड्स. राइट। लास्ट दो बिग बॉस की मैं बात करूँ, बिग बॉस ओटीडी या फिर बिग बॉस एमसी स्टैंड या एलविश यादव, अगर ये दोनों की बात करूँ, दे हैव द ग्रेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया फैंस। हाउ डू यू सी, आप एक बार घर के अंदर जाओगे उसके बाद एक मेजर रोल प्ले करेगा आपका सोशल मीडिया, आप रेडी हो? उस तरह प्रिपरेशन है आपकी? यार डेफिनेटली सोशल मीडिया एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है किसी भी, अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फैंडम है तो आप डेफिनेटली आगे तक जा सकते हो. बट मेरा ना ऐसे कुछ बहुत रश नहीं है मुझे फैंस को लेके कि अरे मेरे पास फैंस होने ही होने चाहिए. मैं चाहती हूँ कि मैं अंदर जाऊँ, लोग मुझे जाने, उसके बाद लोग मुझे पसंद करें. लगना भी तो चाहिए ना कि अच्छा ओके अभी हम देख रहे हैं कि ये कैसी है, ओके सो नाउ वी आर गेटिंग टू नो ईशा, अब हमें पसंद आ रही है, तो मेरे लिए वो ज्यादा अच्छा रहेगा और मेरे लिए वो एक अचीवमेंट रहेगा कि यार फाइनली लोग मुझे जान के मुझे पसंद करें, रादर देन जस्ट वॉचिंग माई सोशल मीडिया और वो अपने दिमाग में इमेजिनेशन बना ले कि नहीं शायद ये ऐसी होगी या वैसी होगी. किसी को जानो, फिर आप अपना जजमेंट दो, पसंद करो, तो मैं उस चीज के लिए ओके हूँ. और कितने नाम आपने देखे? कोई रहता है सोशल मीडिया में, एक एक नाम आते रहते हैं बाहर, आपने कोई नाम देखे अब तक, किसके किसके बाहर यार आए? ऑनेस्टली मुझे इन सब के बारे में नहीं पता क्योंकि मैंने नहीं देखा, और कुछ कुछ न्यूज़ आती भी है बट आई डोंट ट्रस्ट दोज न्यूज़ एंड एवरीथिंग, और आर्टिकल्स पे भी मैं इतना विश्वास नहीं करती हूँ क्योंकि ऑनेस्टली हमें पता नहीं है कि और कौन कौन फाइनलाइज हुआ है क्या हुआ है. बट आई जस्ट वॉन्ट टू विश एवरीबडी वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि जैसे मैं एक गोल के साथ जा रही हूँ वैसे बाकी सब भी गोल के साथ ही आ सबसे रहे हैं. बड़ा नाम अंकिता लोखंडे का आ रहा है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कंफर्म है अंकिता लोखंडे। तो क्या लगता है, आपने कभी मुलाकात हुई अंकिता लोखंडे से, कभी आपकी फ्रेंडशिप थी? नहीं, मैं उनको कभी नहीं मिली हूँ, बट आई रियली यूज टू एडमायर हर बहुत पहले जब पवित्र रिश्ता आता था, तब काफ़ी हिट गया था उनका शो, एंड शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस ऑफ कोर्स. और इससे ज़्यादा मैं कुछ अभी जानती नहीं हूँ उनके बारे में, तो आई कॉन्ट रियली गिव माई ओपिनियन. बट देखते हैं अंदर जाके अगर वो आती हैं तो क्या बॉन्ड बनता है यस मेरा उनसे, कैसे हम लोग खेलते हैं. सो
हाल ही में मुलाकात हुई मनीषा से, कल ही एक फोटो डाली आपने। एक्चुअली मनीषा एंड मी फ्लू फ्रॉम द सेम फ्लाइट, तो हम लोग ने बॉम्बे में लैंड किया। बात हुई आपकी, मैं जा रही हूँ उससे बात हुई आपने? नहीं ऐसे कुछ, मैं जा रही हूँ करके ऐसा कोई बात नहीं हुआ, हमने बहुत जनरल बात किया। शी आस्क्ड मी कैसे हो, क्या चल रहा है, what new projects are coming and everything. So I just told her कि अभी कुछ है line में, थोड़ी बहुत चीजें lined up है, तो she told me कि actually वो मुझे उडारिया के through जानती है and I know her of course, everybody knows her because of Big Boss OTT. तो काफी अच्छा रहा हमारा interaction, पहली बार मिले हम, तो it was nice. प्रियंका से क्या बात हुई? प्रियंका अंकित से, they are the friends, they are the close ones and they have been into that house. तो उनसे कुछ बातचीत हुई, कुछ tips आपने ली रहेगी? अरे नहीं प्रियंका और मेरी दोस्ती को मैं सच में ऐसे कभी नहीं कंसिडर करूंगी कि कुछ ऐसे मैं टिप्स के लिए उससे बात करती हूँ, हम जनरल बात करते हैं। हाँ वो तो ऐसे मैंने बोला कि यार मेरे को ना थोड़ा नर्वसनेस हो रहा है, तो कैसे करूंगी मैं, कैसे होगा, या मैं कर लूंगी कि नहीं मैं नहीं करूंगी, आप प्लीज बताओ। तो शी टोल्ड मी कि नहीं ईशा, इट इज गोइंग टू बी वेरी फन जर्नी फॉर यू, बहुत नया होगा सब कुछ, और तू अंदर जाएगी ना यू फील, तू शी टोल्ड मी वन थिंग कि तू कितना भी अपने आप को प्रिपेयर करके चले जाए, अंदर सब ऐसा स्वॉप हो जाता है ना, देन यू आर ब्लैंक, आपको कुछ पता ही नहीं लगता है। सो दैट्स व्हाई मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ जाने के पहले कि मैं ऐसे करूंगी मैं वैसे करूंगी, वो जैसा होगा जो होगा सब अच्छा होगा, दैट इज व्हाट। लगता है कौन से वीक में आपको कैप्टेंसी, जो कैप्टेंसी का जो टास्क रहता है, कौन से वीक में आप जीतोगे और कौन से वीक में लगता है कि आपको कैप्टन बनाएगी? फर्स्ट अभी तो बोला मैंने कि कुछ मैं ऐसा सोच के नहीं जा, फिर भी आपको क्या लगता है अपनी क्वालिटी रहती है ना कि हाँ मुझे कैप्टन बनना चाहिए ये वीक में, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक? यार मेरे पास कोई भी अगर टास्क आता है तो मैं अभी फॉर राइट नाउ मैं सिर्फ इतनी गारंटी दे सकती हूँ कि मैं उसमें अपना 100% 200% लगा के परफॉर्म करूंगी। अगर मैं जीती दैट इज ओके, नहीं भी जीती दैट इज ऑल्सो ओके, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, रश नहीं है, हरी नहीं कि अच्छा ओके सबको एकदम पछाड़ के कैप्टनसी चाहिए। थोड़ा आप कहीं भी जाओगे बट डोंट फॉरगेट टू टेक अप द ह्यूमैनिटी, दैट्स डेफिनेटली माय पॉइंट। सलमान सर से मुलाकात होगी सबसे पहले स्टेज पे, what will be your first reaction? यार मैं ना actually उडारिया के promotions के time पे उनको मिली, but मुझे तो याद भी नहीं है कि शायद पता नहीं उनको मेरा नाम भी पता होगा कि नहीं पता होगा, या उनको भी याद होगा कि क्या मिले थे या interaction होता, but मेरी बहुत छोटी सी interaction हुई उनके साथ, तो अभी ना मेरे को और वो curiosity मेरे अंदर बढ़ गई है कि अच्छा क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि आप अपना शो प्रमोट करने जा रहे हो फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स और कपल ऑफ मिनट्स, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, और आप उनके शो में जा रहे हो, उनको मिलोगे, वो वीकेंड का बार पे मिलते हैं, आपको समझाते हैं आप शो में कैसा करो कैसा नहीं करो, डांटते भी बहुत है ना, बट आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट एट ऑल, बट या आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट हिम बहुत। कौन सा ऐसा टास्क है जैसा, काफी सारे काम रहते हैं, घर का काम हो गया, टॉयलेट का काम हो गया, गार्डन क्लीनिंग, देयर आर सो मेनी टास्क, कोई आपको पिक करना रहेगा कि हाँ ये टास्क मुझे नहीं करना चाहिए, तो कौन सा होगा वो? ऐसा कोई टास्क नहीं है जो मैं बोलूंगी कि नहीं करना चाहिए, आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग। किचन का टास्क जो इम्पोर्टेंट है, आते मुझे खाना बनाना, बता आप कुछ खाओगे बना के खिलाती हूँ। ओके सो अगर किचन का टास्क मिल जाए, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि जो किचन का टास्क करते वो फाइनल तक जाते ही है, बहुत बार ऐसा हुआ है। किसने बोला ऐसे आपको? बहुत बार हुआ है, दीपिका, शिल्पा शिंदे और भी नाम मैं ले सकता हूँ। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट कहते हैं कि जो किचन के काम में जो लग जाते हैं ना वो फाइनल की रेस तक जाते हैं। मुझे लग रहा है आप चाह रहे हो मैं किचन सेलेक्ट, बट मैं चाह रहा हूँ कि आप फाइनल की रेस तक आ जाओ। ठीक है, डेफिनेटली मैं अंदर जाके देखूंगी, जो भी ड्यूटी मुझे मिलता है मैं सब अच्छे से करूंगी, और आपका भी पॉइंट मैं दिमाग में रखूंगी कि हाँ किचन, क्योंकि बहुत सारे शिल्पा शिंदे हो गए, दीपिका कक्कर हो गए, ये लोग किचन के टास्क में एकदम हमेशा कि वो लोग ही खाना बनाते थे और वो लोग ही फाइनल तक गए। कहते हैं ना घर पेट का जो रास्ता रहता है तो फाइनल तक की रेस में जाता ही है। चलो ठीक है, ओके आई विल फोकस ऑन दैट, बट हां मुझे आता है खाना बनाना, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इस बार ऐसा कहा भी जा रहा है कि जोड़ियों में भी आने वाले कोई लोग ऐसा? हां डेफिनेटली मैंने सुना है ये कि कपल वर्सेस सिंगल थीम हो रही है, बट अगेन जब तक मैं खुद वहां नहीं जाती मैं देख नहीं लेती, मैं ऐसे कोई भी रूमर कंफर्म नहीं कर सकती हूं कि क्या थीम है या क्या नहीं है, बट लेट्स होप दैट एवरीथिंग विल बी गुड। क्या ईशा का उस घर में जो 2-3 महीने में एक अट्रैक्शन या फिर वो जो एक रहता है ना कि बाहर काफी सारे हैशटैग्स बन जाते हैं, फिर वैसा कुछ हैशटैग मैं बनते हुए देखूंगा? हाँ डेफिनेटली, अगर मुझे घर के अंदर कोई पसंद आए तो वो अलग बात है, मैं तब देखूंगी और फिर हैशटैग्स बनेंगे। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि बाहर निकलने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है मीडिया अटेंशन, जो मीडिया अटेंशन मैं देखता हूँ लोगों से देखता हूँ, पेपराजी जो अटेंशन देते इज वेरी गुड, वेरी हाई,
Are you ready for that? How will take that thing? Yeah, definitely because मुझे नहीं लगता कि कोई भी नहीं चाहता है. सब लोग इंडस्ट्री में आए ही इसलिए कि उनको अटेंशन मिले, उनको मीडिया कैप्चर करे. तो डेफिनेटली मतलब ये तो सबका, सारे एक्ट्रेसेस का फर्स्ट प्रेफरेंस, एक्टर और एक्ट्रेसेस उनका फर्स्ट प्रेफरेंस होता है कि यार हम भी जाते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं तो हमारी स्पॉटिंग हो, मीडिया कैप्चर करे. तो उसमें झूठ बोले जैसे तो कुछ है ही नहीं. मुझे पसंद आएगा अगर सब मेरे को कैप्चर करेंगे. लास्टली अ स्मॉल मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव. स्मॉल मैसेज बस यही है कि आपको अगर मेरे तरफ से कुछ भी गलती लगती हो घर के अंदर तो प्लीज़ मेरी छोटी मोटी गलतियों पे माफ कर देना. मैं वैसे कोशिश करूँगी कि किसी को भी मैं ज़्यादा ऐसे निराश ना करूँ. आई डू माई बेस्ट एंड प्लीज़ कीप वोटिंग व्हेन आई एम इनसाइड. यस एंड आई होप अब जब वो घर से निकलो ना, एक छोटा सा रूम रहता है जहाँ हम रहते हैं, वहां से आप ट्रॉफी लेके आओ और मैं सबसे पहले आपका इंटरव्यू करूँ. थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर दैट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक्स.